हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताऊंगा जो बिग बॉस के विनर का नाम चुना गया उसे अंक ज्योतिषी संजय जुमानी ने नवंबर में ही बता दिया था कि कौन बनेगा विनर। कैसे बताया और कौन है संजय जुमानी वो आप हमारे साथ देखिए। संजय जुमानी ये खबर देख रहे हैं आप, अंक ज्योतिषी जुमानी की सलाह पर मुकेश अंबानी ने रखा जियो 4G का नाम। इतना ही नहीं, जब जीती थी इनकी टीम मुंबई इंडियंस तब भी संजय जुमानी ने बताया था कि कैसे होना है। और अगर आप देखेंगे ये देखिए, न्यूमरलिस्ट के कहने पर सोनम कपूर ने दोबारा अपने नाम में बदलाव किया, जो सोनम के आहूजा जो नाम रखा है वो इनके कहने पे किया। ऐसे में आपको ये जानना पड़ेगा कि जो संजय जुमानी हैं, संजय जुमानी ये हमने भी खबर चलाई थी जब बिग बॉस के घर में गए थे संजय जुमानी और वहाँ सब सारे कंस्टिट्यूएंट से मिले थे, तो ऐसे में ये जब वहाँ गए तो सब लोगों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि खाली दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका कक्कड़ भी इस बार हेडलाइन बनाएंगी। और इन्होंने अपने फेसबुक पेज पे बाकायदा लिखा है कि कैसे उन्होंने चुना। तो हालांकि सबसे पहला जो उनका फेसबुक पोस्ट है वो KRK पे है, KRK कह रहे थे कमाल आर खान के कैसे शीशांत विनर हो सकते हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया है। ये अभी 48 मिनट पहले लिखा है, डियर भाईजान कमाल आर खान लीव अस टू मेक प्रेडिक्शंस, मतलब हमें प्रेडिक्शंस करने दो, यू कंटिन्यू टू मेक 2 रुपये की फिल्म आप बनाते रहो। तो ये उन्होंने मजा लिया है दरअसल। अब आप इनके फेसबुक पोस्ट में हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने दीपिका कक्कड़ को क्यों चुना। उन्होंने लिखा है कि दीपिका कक्कड़ मेरी पहली चॉइस थी जो 12 लोग हैं उनमें, उसकी वजह है नंबर 6। 6 अगस्त को पैदा हुई हैं 1986 में, तो 6 उनका अंक है दीपिका कक्कड़ का जो संजय जुमानी लिखते हैं। और ये कह रहे हैं कि वो 33वें साल में, जो 3+3=6 होता है, और C1 बिग बॉस 2-6, ये इसलिए कि 6+6=12 होता है, और प्लस वो छठी TV एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ये जीता है। और ये जो आ रहा है यानी 105वां दिन था इनको बिग बॉस के घर में रहते हुए, 105वां दिन था, तो 105 ये मिला के 6 होता है। और जो 30 उसकी लकी डेट है दीपिका कक्कड़ की, तो ये इन्होंने ये फार्मूला संजय जुमानी ने लगाया, आप भरोसा करते हो अंक ज्योतिष में तो ये आप फार्मूला मान सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ इसके अलावा कि संजय, ये जो खबर थी जब संजय जुमानी अंदर गए थे, ये इन खबर हमारी वेबसाइट उसने भी लगाई, कई साइट्स ने उस वक्त ये खबर लगाई कि दीपिका कक्कड़ कैसे हो सकती हैं बिग बॉस की विनर, जिस संजय जुमानी के आधार पर ये उन्होंने बताया। तो संजय जुमानी का ये जलवा है और अभी वो बड़े खुश हैं, इसीलिए कमाल आर खान को हड़का भी रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं उनसे। तो ये संजय जुमानी के बारे में मशहूर है, आप माने ना माने, लेकिन सच ये भी है कि कैसे बैक टू बैक, अगर आप देख रहे होंगे 12 जो बिग बॉस हुए हैं, पहले राहुल रॉय ने जीता, दूसरा आशुतोष ने, और उसके बाद जो चौथी विनर थी श्वेता तिवारी, उसके बाद से अब लगातार देखिए उर्वशी ढोलकिया, गौहर खान, शिल्पा शिंदे, लगातार एक के बाद एक ये छठवीं हैं नेहा, जो छठवीं हैं आपकी दीपिका कक्कड़, और उन्होंने ये जीता है। तो टीवी एक्ट्रेस जब जाती है तो नेचुरली लोगों को घर घर में उसे जानते हैं, तो लोगों का एक दिली लगाव होता है टीवी एक्ट्रेस से, तो बिग बॉस को जो वोट होते हैं वो उनको ज़्यादा पड़ते हैं। तो 32% से ज़्यादा वोटिंग में जो वोट मिले उन्हें, और सुशांत उसके मुकाबले 24% के करीब वोट पा पाए, तो ऐसे में बिग बॉस विनर वो घोषित की गई। बाकी संजय जुमानी का अपना नाम है, उन्होंने ये पहले ही दावा कर दिया था और मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से उन्होंने अंक ज्योतिष निकाला। अगर आप भरोसा करते हैं तो उनकी बात पर यकीन करें, और बाकी जो खबरें आएंगी आपको देखते रहिए, उसके लिए इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।